चलो 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 जाओ जाओ। और ये डर गए, हालत खराब इनकी भी। तो फ्रेंड्स, मंदिर दर्शन हमने कर लिया है, काफ़ी अच्छा। अंदर मूर्तियां थे, पेंटिंग्स बहुत अच्छे थे और बहुत पुराना मंदिर हमारे को अंदर देखने को मिला। और अभी जा रहे हैं हम लोग फिलहाल धूप काटने आगे की तरफ, और वहां से धूप काट के लाएंगे। ज़्यादा ले जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे सभी। तो चलते हैं आगे नाले की तरफ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं काफ़ी वाइड यहाँ से एरिया हमारे को देखने को मिलता है। ये नाला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा सा पार्क को, जहाँ पे फ्लैग्स लगा है मल्टी कलर का। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है नाले में, और ये सारे धूप के पौधे यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है धूप का पौधा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ यहाँ से हमारे को देखने को मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत व्यू। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खतरनाक पुल बनाया गया है। थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को इसको क्रॉस करने को। फिर चलते हैं पुल की तरफ, पार्क की तरफ, और देखते हैं वहाँ से किस तरीके का व्यू देखने को मिलता है हमारे को। और इस वाले नाले में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी है। सच बोलूं ना फ्रेंड्स, ये वाला पुल बहुत झूल रहा है और डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। बेबस है, मैं इस वाले पुल पे जा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा झूल रहा है और बहुत ज्यादा डर लग रहा था मेरे को। झूल रहा है या डर लग रहा है? डर गया, डर गया। हाँ डर गया, बाहर जा रहा है, डर गया इसको जाते रहे मैंने। हाँ हाँ पार वहाँ है, देखो वहाँ देखते सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अब ये वाला पुल कितना झूल रहा है। मेरा तो सच में हालत खराब हो गया था और मैं वहां से वापस आ गया अभी। बाकी यश भैया अभी यहाँ से जा रहे हैं, देख सकते हैं। और रविंद्र भैया भी जा रहे हैं, जाओ जाओ कोई बात, चलो 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 जाओ जाओ। और डर गए, हालत खराब इनकी भी। तो फ्रेंड, जाएंगे उस पहाड़ी के ऊपर और वहां से हम लोग धूप के जो है छोटे छोटे झाड़ी काट के लाएंगे। सो फ्रेंड, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के यहाँ पे घास फूस पाए जाते हैं। Thank you.
और यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के यहाँ पे पौधे, जिनकी सवाल काफी अच्छी है। और ऋतुराज आगे फोटोग्राफी करते हुए, सो फ्रेंड्स सामने ये रहा मंदिर। अभी हम लोग मंदिर से काफी दूर आए हैं। हम लोग हर झाड़ी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही काटेंगे। जड़ी बूटी का जो हमारे पौधा मिला है और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। अच्छा, एक दो फीस वहां से यहाँ ज्यादा भी नहीं काटेंगे क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो हम कुछ अपने जरूरत के हिसाब से लेकर ले जाएंगे इसे। कितना हिलता है, तो बहुत ज्यादा डर भी हमारे को लग रहा था उस वाले पुल को क्रॉस करने में। बाकी रास्ता देख सकते हैं आप, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही भयानक तरीके का रास्ता। फिर से इस पुल को क्रॉस करना पड़ेगा, पहले में से रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो चलते हैं खूबसूरत ब्रिज की ओर, जो भी काफी झूल रहा है मतलब। भाई साहब पूरा कलेजा ना मुंह में आ गया था मेरा सच में। और ये अपने यश भाई आते हुए काफी मुस्कुराते हुए, चेहरे पे डर साफ साफ नजर आ रहा है इनके। डर लग रहा है ना बहुत, एक साथ पहलवान। डर नहीं लग रहा है। आ जाओ ये डर गया। और ये हमारे रविंदर भैया काफी डर के आ रहे हैं। डर लग रहा है ना, डर लग रहा है। डर के जीत है। ए ए ए ए तो ऋतुराज आपको कैसा लगा इस ब्रिज पे चल के? बहुत अच्छा इसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और ये पहली बार चला ऐसे झूले वाले पुल पे, तो बहुत अच्छा। डर नहीं लगा आपको? नहीं डर नहीं लगा। तो चलो चलिए। फ्रेंड्स मेरी बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, मैंने अपने दिल को पूरे हाथ में लेके मुंह पे लेके बड़े मुश्किल से इस वाले ब्रिज को क्रॉस किया। सो फ्रेंड्स देखो यार क्या ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हमारे को देखने को मिल रहा है, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत ये नाला।
चले फिर। चलिए। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारा धूप इकट्ठा कर लिया है और अभी फिलहाल जाएंगे मंदिर की तरफ और वहाँ पे हमारे बहुत सारे रिलेटिव है, वो भी वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं, तो लंच वगैरह कर लेंगे उसके बाद जाएंगे अपने घर की ओर। सो फ्रेंड्स, चलते हैं मंदिर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जहाँ पे बहुत सारा गुम्फास बने हैं और फ्रोजन भी दिख रहा है हमारे को यहाँ से आगे, तो थोड़ा सा व्यू चेकआउट करेंगे आगे जाके। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है, यहाँ पे कुछ नए बिल्डिंग्स बने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा होगा, अब चलते हैं ऊपर छोसिंग की तरफ और आसपास का नजारा चेकआउट करेंगे वहां से। सो फ्रेंड्स, यहाँ भी एक खूबसूरत छोसन है स्तूप जिसको हिंदी में बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का गेट लकड़ी का। तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत छोसन हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े सोलर पैनल भी लगाए गए हैं और यहाँ से अंदर आप लोग आके दिया जला सकते हैं। तो आप लोग मैं दिखाऊंगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल करते हैं इसको बंद। ये ऊपर वाला, यहाँ पे कुछ अलग ही वाइब आ रही है, बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा है हमारे को यहाँ पे आके। और ये रहा छोगन रिम्पोची जी का आवास जिसको हम लोग गुम्फा भी बोलते हैं, यहाँ पे जब आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ भी बहुत पुराना हमारे कुछ छोसन देखने को मिल रहा है, तो इसका भी हम लोग व्यू चेकआउट करेंगे यहाँ पे नजदीक से। मंदिर के आसपास का व्यू कुछ इस प्रकार का है, ऊपर देख सकते हैं आप जंगल में पहाड़ों पे मल्टी कलर्स के फ्लैग्स लगाए गए हैं, बट हमारे को वहाँ पे जाने के लिए हमने फ्लैग्स नहीं लगाया और टाइम उतना नहीं है हमारे पास। दिन के 1:30 बजे हैं और अभी हम यहाँ पे लंच करने के लिए बैठे हैं, तो लंच वगैरह हम वैसे लेके आए थे। सो फ्रेंड, दिन के 2 बज रहे हैं और हमारा लंच पानी हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं वापस बस स्टैंड की तरफ। सो फ्रेंड, मंदिर से हम आ चुके हैं और बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस को मुड़ने के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है, क्योंकि बहुत गलत तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्किंग कर रखा है। तो जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने गाड़ियों को ढंग से पार्किंग करें, क्योंकि यहाँ पे दिन में बस आती है उसको मुड़ने के लिए यहाँ पे प्रॉपर जगह नहीं होता है। सो फ्रेंड, पानी की मात्रा देख सकते हैं बहुत जगह बढ़ चुकी है यहाँ पे और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन का नाम है शूटिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे धूप के पौधे हैं, चारों ओर धूप के ही पौधे। आज हम लोग पिकनिक मना के आ रहे हैं, हम लोग बहुत खुश है, वापिस आ रहे हैं वहाँ ऊपर रानी भिक्षुम्मा का दर्शन करके त्रिशूल निकाल रहे। हमारे इंद्र भैया जी है हमारे साथ, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, अपना व्लॉग बना रहे हैं, सबने सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग व्यू यहाँ से पहाड़ों का दिख रहा है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पहाड़ी है देखने को, चारों ओर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां ही पहाड़ियां। अभी वहां पे देख सकते हैं धूप काटा जा रहा है और उसको थैलों में भरा जा रहा है।
सो फ्रेंड टाइम हो चुका है इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करने का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इंद्र साइनिंग आउट। नमस्ते।